Hello everyone, welcome to Glam Diva. So in today's video, I'm going to review and swatch Blue Melon non-transfer lipsticks. ये लिपस्टिक्स थिन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन में कवर्ड होती हैं और ब्लू कलर की पैकेजिंग में आती हैं। इनका प्राइस वेरी करता है, ये अगर आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो 200 से 250 के बीच मिल जाएंगी। ये मैंने कुछ 230 की खरीदी थी, कुछ 250 की खरीदी थी, लेकिन अगर आप इन्हें ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये कॉस्टली हैं और इनका डिलीवरी चार्ज भी सबका अलग अलग लगता है तो ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं। इसलिए अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू बाय देम फ्रॉम द लोकल मार्केट। ये लिपस्टिक्स सुपर पिगमेंटेड, ट्रांसफर प्रूफ, अफोर्डेबल हैं और इनका फॉर्मूला बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आपके लिप्स ज़्यादा ड्राई हैं तो ये आपके लिप्स को ड्राई कर सकती है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी मैट लिपस्टिक लगाएं या नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक लगाएं, उससे पहले अपने लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लें, उसके बाद लिप बाम लगा कर ही ये लिपस्टिक लगाएं तो बहुत अच्छी फिनिश आती है और लिपस्टिक भी बहुत कंफर्टेबल रहती है। ये लिपस्टिक्स बहुत सारे शेड्स में अवेलेबल है और यहाँ पर मेरे पास 4 शेड्स हैं। पहला शेड मेरे पास है 837 कोरल। इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन न्यूड कलर और ये सभी स्किन टोन्स पर बहुत अच्छा लगेगा। ये लिपस्टिक्स काफ़ी पिगमेंटेड है, इसलिए अगर आप लिप्स पे पिगमेंटेशन है तो ये इसे भी कवर कर देती हैं। ये 6 to 7 hours तक आपके लिप्स पर स्टे करती हैं और अगर आप कुछ खाते भी हैं तो बहुत कम ही निकलती हैं, लेकिन अगर आप ऑयली फूड खाते हैं तो ये लिप्स के सेंटर से थोड़ा निकलने लगती है, तो आप इसे टचअप कर लें। अगर आपके लिप्स फ्लेकी लगें तो आप इसे दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हैं पूरा रिमूव करके। नेक्स्ट शेड जो मेरे पास है वो है 815 पिस्टर। इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिंकी ब्राउन न्यूड कलर। इट विल सूट फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स। बस थोड़ी सी एक बात जो मुझे में पसंद नहीं है वो ये है कि इनकी जो बुलेट है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो टूट जाती है। मेरी मतलब काफ़ी लिपस्टिक्स की जो ये बुलेट है टूट गई है, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द लिपस्टिक, अदरवाइज द शेड्स एंड पिगमेंटेशन एवरीथिंग इज गुड। If you want to add a new pinky nude color to your lipstick collection, then you can go for it. These lipsticks are very creamy to apply and in just 1-2 minutes, they will turn to be dry matte and non-transfer. Next shade jo mere paas hai wo hai NA24 maroon red. It is a beautiful maroonish red color and it will flatter all skin tones out there. Ye party wear ke liye, festive season ke liye bahut hi beautiful shade hai. And the last shade that I have is 829 maroon. The shade name is maroon, but it is a beautiful rusty coral kind of shade. You can wear it every day aur ye most of the skin tones par acha lagega. So these were the swatches of all the 4 shades that I have from this range. मुझे लिपस्टिक्स काफ़ी पसंद हैं क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, बहुत सारी शेड रेंज अवेलेबल है और ये लिक्विड लिपस्टिक की तरह ही काम करती हैं, बट इनका फॉर्मूला उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो जिन लोगों को लिक्विड लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है तो वो इसे ट्राई कर सकते हैं, मीन्स दे वॉन्ट अ मैट लिपस्टिक बट दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद लिक्विड लिपस्टिक, देन इट इज़ अ गुड लिपस्टिक, सो दे कैन गो फॉर दिस वन। These lipsticks are worth trying and you would like them too. So that was all about the video. I hope it was helpful for you. Please like, share and subscribe. Thanks for watching. Stay happy and stay blessed.